डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फाइव, गुड मॉर्निंग। अब तक हम लोगों ने चैप्टर वन रिवीजन के पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 31 तक का अध्ययन किया है। आज हम लोग उसके बाद की प्रश्नों को देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/12। ए में है इथ न्यूमरेटर 24। ऐसे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मालूम करना है जिसके न्यूमरेटर 25 हो। तो ऑलरेडी न्यूमरेटर हो गया यार 25, तो डेनोमिनेटर क्या होगा यह हमें मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 5 25 हो गया, तो क्या हो गया 12 5 60। तो इस तरह से यहाँ पर हम 60 डेनोमिनेटर लगा देंगे। सेम है, इसी तरह कंपेयर करेंगे बाकी क्वेश्चंस का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 में करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन स्मॉलर देन इन द प्लेस होल्डर। आपको फिलिंग बॉक्स में भरना है ग्रेटर देन और स्मॉलर देन की साइन, इनकी कंपेयर करना है नंबरों को। क्या करेंगे, कैसे जानेंगे कौन छोटा और कौन बड़ा है? तो हम लोग जानते हैं कि जब डेनोमिनेटर सेम हो, जब दो या दो से अधिक फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर सेम हो, यानी लाइक जिनका डेनोमिनेटर सेम होता है उनमें जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है वह नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ डेनोमिनेटर दोनों के सेम है, इनका न्यूमरेटर बड़ा है, इसलिए यह नंबर सेम का ये जो है ग्रेटर है, बड़े है ना। और 17/21 और 17/25 यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के न्यूमरेटर सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम हो तो जिनका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वह नंबर छोटा होगा, और जिनका डिनोमिनेटर छोटा होगा वह नंबर बड़ा होगा। तो यह 21 डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए 17/11 ग्रेटर देन 17/25। नाउ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के लिए जब यहाँ देख रहे हैं कि सभी के डेनोमिनेटर 3 है, यानी डेनोमिनेटर इक्वल है। जब डेनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो जिनके न्यूमरेटर बड़े होते हैं वह नंबर बड़े होते हैं, और जिनके न्यूमरेटर छोटे होते हैं वह नंबर छोटे होते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर कैसे हम लिखते हैं, स्मॉलर टू ग्रेटर। तो यहाँ सबसे छोटे नंबर कौन से होंगे जिनका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि 12, 8, 6 और 9 में 6 जो है सबसे छोटे नंबर है। क्या लिखेंगे, 6/3, उसके बाद क्या है 8/3, उसके बाद 9/3 और उसके बाद 12/3। आगे है क्वेश्चन नंबर 35, जिसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, हम यहाँ पा रहे हैं दिए गए फ्रैक्शनल नंबर्स में कि सभी के न्यूमरेटर जो है सेम है, 9 है। जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिनका डेनोमिनेटर बड़ा होता है वह नंबर छोटा होता है, जिनका डेनोमिनेटर बड़ा होता है वह नंबर छोटा होता है, और जिनके न्यूमरेटर डेनोमिनेटर छोटे होते हैं वह नंबर बड़े होते हैं। हमें बड़े से छोटे लिखना है डिसेंडिंग के लिए। तो सबसे पहले सबसे छोटे डिनोमिनेटर वाले नंबर को लिखिए। तो यहाँ 9/6 सबसे छोटे डिनोमिनेटर वाले हैं। 9/6 के बाद क्या नंबर आएंगे, 9/8। 9/8 के बाद क्या होंगे, 9/12। 9/12 के बाद 9/13। 9/13 के बाद 9/16। तो इस तरह से अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, लाइक फ्रैक्शन के एड क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शन के एड के लिए सिर्फ इतना ही होता है कि सम ऑफ न्यूमरेटर बाय कॉमन डेनोमिनेटर। सम ऑफ न्यूमरेटर यानी 1+3 बाय कॉमन डेनोमिनेटर 3, यानी 1+1+2/3=3/3, यानी कि 1। उसी तरह सबट्रैक्ट में भी क्या होते हैं, जब फ्रैक्शन लाइक हो तो क्या करते हैं कि सम ऑफ
न्यूमरेटर की जगह यहाँ डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर बाय कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, 5 - 2/6 यानी 3/6 के आंसर में इसको सॉल्व फॉर्म करेंगे तो 1/2 भी लिख सकते हैं। कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, होल नंबर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। क्या होंगे, जैसे कि 9 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें यह 7 ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम है वही नंबर लगाएंगे। क्या होगा, 11 9 99 और 7 106/11। कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसके लिए क्या करते हैं, 205/7 है, 205 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में 14 क्या होंगे, 6/5। अब कितने टाइम लगेंगे, 9 टाइम 63 रिमाइंडर आएंगे 2 क्या हो जाएंगे, 29/7 ये अपना मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस इन डेसिमल, डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए बतलाने क्या करते हैं, शॉर्ट सबसे बेटर है आप डिवाइड कीजिए, नहीं तो सबसे शॉर्ट बेटर है, जब 100 या 1000 हो, 10 हो, इस तरह के नंबर डिनोमिनेटर में लगे हो तो जीरो को काउंट कर लेते हैं, हाउ मेनी जीरो, 2 जीरो है तो इसके यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट साइड कर देते हैं। क्या हो गया, 28 है, 2 डिजिट 1 2 2 के बाद पहले हम डेसिमल लगा देंगे, 0.28। फोन नंबर कुछ नहीं बचे, 0 लगा है। नेक्स्ट है 4/1000, 3 जीरो है, 3 डिजिट लेफ्ट साइड डेसिमल को 4 के बाद कर देंगे, यहाँ पर सिंगल डिजिट 4 है, 2 डिजिट के लिए 2 जीरो का यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग डेसिमल लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 0.004। फोन नंबर नहीं है, 0 लगा देंगे। उसके बाद है एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस करना है, क्या करेंगे, 0.3 है, 0.3 है तो यहाँ पर 3 डेसिमल के बाद जितने नंबर हो उतने 0.1 पे यूज कर देते हैं। डी में है 2067, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 1/3 डिजिट लगा देंगे डिनोमिनेटर के रूप में। तो इस तरह से ये हो गए अपने फ्रैक्शन। उसके बाद है एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना, एक्सपेंडेड फॉर्म में यार 27 जो है होल पार्ट है और 0.36 जो है डेसिमल पार्ट है, तो 27 होल पार्ट के लिए क्या होंगे, 27 के लिए 20+7 प्लस डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट को क्या करते हैं, 10th, तो 3/10 यानी 3/10। उसके बाद क्या होता है, 10th के बाद कौन से पहले सोते हैं डेसिमल के बाद, 100 यानी 600 यानी 6/100, तो क्या हो जाएगा अपना एक्सपेंडेड फॉर्म, 20+7+3/10+6/100। उसी तरह है क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें आपको क्या करने हैं, 43 में ऐड करना है, 43 में सब्ट्रैक्ट करना है, 45 में है मल्टीप्लाई करना है, 46 में आपको डिवाइड करना है जो आप लोग कर लेंगे। उसके बाद 47 में है कि चेंज द फॉलोइंग, चेंज द फॉलोइंग है कि 100 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, क्या होगा, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 cm होते हैं, 1 मीटर में 100 cm होते हैं, तो 100 को डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या हो जाएंगे, यह मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड होगा यानी 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7 kg 25 g × g, 7 kg 25 g को ग्राम में चेंज करना है, क्या करेंगे, इसके लिए 1 kg में 1000 g होते हैं, तो 7 kg में कितने ग्राम हो जाएंगे, 7000 ग्राम,
और 25 ग्राम दोनों को ऐड कर लेंगे क्या आ जाएगा 7025 ग्राम। तो इस तरह से एक क्वेश्चन नंबर 47 के बाकी क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन कर लेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे।